और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों का। तो इंदौर से अहम खबर, जहां शहर में दसवीं की परीक्षा का पेपर लीक आउट हो गया। सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हुआ है। दसवीं कक्षा का पेपर आज से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं, हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित हो रही है और ऐसे में पेपर लीक आउट हुआ। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में दसवीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई और हिंदी विषय का ये पेपर लीक आउट भी हुआ है। तो सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है। इसके पहले लगातार ठग मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए थे। ये कहा जा रहा था कि 350 रुपए में पेपर लीक जो हो रहे हैं उसका दावा किया जा रहा था। महेश मिश्रा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी जिस तरह से पेपर लीक आउट हुआ? देखिए, आज इंदौर में टेंथ का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में दसवीं की एग्जाम में पहला पेपर हिंदी का होना है। ये पेपर आज सुबह से ही एग्जाम शुरू होने के पहले से ही शहर के लगभग हर दूसरे मोबाइल में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि टेंथ का पेपर है जो लीक हो गया। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जो इस मामले में विभाग के अधिकारी वो अभी तक इस मामले में कोई भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। उनकी चुप्पी है, फोन नहीं उठाने को राजी है। वहीं पुलिस से इस मामले में बात की गई है तो क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच ने इसको सौ मोटो देख के वो भी अपने लेवल पर इसकी जांच करने में लगे हुए हैं। पर ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ो, जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की दावा करता है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की, उनके पेपर लीक नहीं होते हैं, किसी भी तरह की कोई कहानी नहीं होती उनके पूरे सिस्टम पर। आधिकारिक पुष्टि हुई है कि नहीं इस पेपर की? ये जरूर बताइए कितने बजे से पेपर होना है। और देखिए, फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 11 बजे से पेपर होना शुरू होना था, ये इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी को लगभग 3 से 4 बार फोन किया है, अलग अलग कोशिश की उनसे बात करने की पर वो फोन नहीं उठा रहे। तो इसमें अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर पुलिस साइबर ब्रांच ने जो है इंदौर की साइबर क्राइम पुलिस जो है वो इस मामले की जांच जरूर शुरू कर चुकी है। जी तो बिल्कुल, हिंदी विषय की परीक्षा 11 बजे से शुरू होनी है, हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। तो सोशल मीडिया पर वीडियो और ये पेपर जमकर वायरल हो रहा है। आज से शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में दसवीं बोर्ड की परीक्षा। 11 बजे से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित हो रही है। हालांकि जब फोन पे बातचीत करने की कोशिश की जाती है अधिकारियों से तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है और ऐसे में हिंदी विषय का ये पेपर लीक आउट हुआ है। हालांकि ये पेपर वही है या नहीं है, फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहने से अधिकारी बचते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच ठगी की भी वारदातें लगातार हो रही है। दावा भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर पेपर भेजकर सेंड करके कि ये वही पेपर है, लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। महेश मिश्रा एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के हैं। महेश, क्या जानकारी, क्योंकि 11 बजे से पेपर शुरू हो चुका है, अब इसकी जानकारी कैसे मिल पाएगी कि वही पेपर है जो बच्चे दे रहे हैं परीक्षा हाल कर रहे हैं? देखिए, ये पेपर जब खत्म होगा उसके बाद में जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो उस समय जो सोशल मीडिया पे जो पेपर वायरल हो रहा है और जो बच्चों को एग्जाम हॉल में मिला है, अलग अलग सेट मिलते हैं, उन अलग अलग सेट्स को देखने के बाद में ही कंफर्म हो पाएगा कि पेपर ये लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, कुछ ही देर का समय है। ये जैसे ही एग्जाम खत्म होती है 2 घंटे के बाद में, उस समय ये स्पष्ट हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि इसमें शिक्षा अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच में लगी हुई है, तो अगले 2 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। सबसे पहले इंतजार इसी बात का है, अभी हम सभी जहां एग्जाम हॉल है उनके बाहर हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, कि जब छात्र अंदर से बाहर आए तो उनमें से कई छात्रों के पेपर देखे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सेट दिए जाते हैं छात्रों को, उनके लेके इससे मिलान करने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन महेश ये भी समझना चाहेंगे, इसके पहले आज सुबह से ही INS 24/7 ये तस्वीरें भी बता रहा था कि ठग जो है वो सक्रिय है, 350 रुपए में व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी ये कह रहे थे कि ऐसी भ्रमित बातों पर ना फंसें। देखिए, अधिकारियों का कहना सही है कि ठग है तो भ्रमित बात करेगा। उन्होंने छात्रों के लिए एडवाइजरी जरूर जारी की है
किस तरह की बातों पर ध्यान ना दे, पर चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल की जो ये नई जनरेशन है, जेड जनरेशन जिसे हम कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। पुराने जमाने में कहीं पेपर लीक होता तो फिजिकली जाके छात्र को लेके आना पड़ता था, पर बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको पेपर मिल सकता है। तो ये चीज अपनी तरफ से बिल्कुल जारी है और ये बदस्तूर अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ये लगातार सोशल मीडिया का कोरोना काल के बाद में जमकर उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग जो ठग है, जो इस तरह के लोग जो 400 का काम करते हैं, वो भी इसका उपयोग करें, तो उसको लेके एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी। पर ये देखना होगा कि ये वाकई में वही पेपर है या नहीं है। तो बिल्कुल, जब पेपर खत्म होगा उसके बाद पुष्टि हो पाएगी कि ये वही पेपर है या कोई और है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।